हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि वो स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे आपके लिए। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, बात करते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की। तो बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, आपके साथ सबसे पहले तो ये पर्सन बॉन्डिंग बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जो है ना, अपना एक जो होता है ना, एक इक्वल गिव एंड टेक करना, या आपके साथ जो एक इनको महसूस होता है जैसे सोलमेट कनेक्शन। आपके साथ बहुत हाई एनर्जी महसूस होती है। इस पर्सन को लगता है कि हाँ, आप ही हैं जो कि इनके जो है जीवन भर के साथ ही हैं, या आप ही हैं जिनके साथ इनका लाइफ जो है गुजरेगा। आपके साथ जो है इस पर्सन को बहुत अच्छा महसूस होता है। चलिए यहाँ पे कार्ड बताते हैं क्या वो देखते हैं। तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड, यहाँ पे द मून का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स, एंड है मेरे पास फोर ऑफ कॉइन्स। स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो देखो, ये पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, ठीक है? आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है और आपके पार्टनर को जो है ना टेंशन होती रहती है, ये सोच करके कि हाँ आपके साथ जो है रिलेशनशिप को क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये पर्सन को ये भी देखना है। कहीं ना कहीं जो है ना, ये जो पर्सन है ना आपके, वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं आपके लिए, बहुत हाई जो है एनर्जी रहती है, लेकिन आपके जो पार्टनर की फैमिली है आपके खिलाफ बहुत 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 ज़्यादा है। थोड़ी बहुत नहीं है, आपसे ये पर्सन की फैमिली चाहती ही नहीं है कि शादी हो या फिर आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशन बने इनका, कुछ भी नहीं। इस पर्सन की फैमिली चाहती है कि बस आपके साथ जो है ना इनका रिलेशनशिप आगे जाए, ठीक? यहाँ के एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बहुत है, ठीक है? इनकी फैमिली का प्रेशर बहुत है और बर्डन इतना ज़्यादा है कि इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्सन को तो इनसिक्योर फील होता है, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, इनकी फैमिली इनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाल देती है कि ये पर्सन खुद ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इनको लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, है ना? तो वो वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो है ना बहुत स्टक हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना एकदम से इनका माइंड जो है घुमा हुआ है, या फिर कहें तो स्ट्रेस में है ये पर्सन, बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है? आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? तो मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन कोशिश करने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, बट इनकी फैमिली जो है ना इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालेगी, जिससे जो है ना इनके और आपके बीच में जो है प्रॉब्लम यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने फादर या फिर मदर से बातें करने वाले हैं आपके लिए। स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चांसेस कम है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बात जरूर करेंगे, ठीक है? सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।